ओके बच्चों, अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके मस्कुलर स्केलेटल के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ये आप अगर लिख सकोगे तो बेहतरीन होगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताने के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। ये आप इंशाल्लाह ये पेपर अभी जिसके अंदर आप तैयारी कर रहे हो, इसके अंदर अगर आप ये करोगे तो आपका ये पेपर सारे का सारा बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर भी हो सकता है, क्योंकि यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते होते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि हाँ जी जनाब, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है और वो ये कहते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आया, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आपको वो ये कहते हैं कि उसका सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस जो है वो जनाब आपका फ्रैक्चर हो चुका है। तो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के फ्रैक्चर के अंदर उन्होंने ये कहना है कि आपकी कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो आपने कहना होता है एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है बच्चों, ये आपने कहना है। उसके बाद आपने कहना है कि जो शोल्डर की डिसलोकेशन होती है वो मोस्ट कॉमनली कैसी होती है, आपने कहना है कि एंटीरियर डिसलोकेशन होती है और इंफीरियर डिसलोकेशन होती है। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि जो शोल्डर की डिसलोकेशन होती है वो मोस्टली कैसे होती है, तो आपने कहना इंटीरियरली डिसलोकेट होता है या इनफीरियरली डिसलोकेट होता है, और पोस्टीरियरली क्यों डिसलोकेट नहीं होता, क्योंकि रोटेटर काफ के जो मसल्स होता है वो पूरे का पूरा आपको एक तरह का सपोर्ट कर रहा होता है। जब रोटेटर काफ सारे का सारा मसल सपोर्ट करता है, तो इस वजह से आपका पोस्टीरियर जो मसल है वो आपका एक तरह का शोल्डर की डिसलोकेशन नहीं होती, ये आपने याद करना है। उसके बाद अगर कभी फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, शोल्डर डिसलोकेशन के अंदर यानी कि जब इंटीरियर डिसलोकेशन हो या पोस्टीरियर हो या इनफीरियर डिसलोकेशन हो या कोई भी डिसलोकेशन होती है शोल्डर की, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो नर्व डैमेज होती है वो कौन सी है, तो आप लोगों ने आंसर देना एक्सिलरी नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है बच्चों, आपने कहना एक्सिलरी नर्व होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि पूछा जाता होता है। और अगर ऐसे ही पूछा जाए कि एक्सिलरी नर्व जब डैमेज होती है तो इसके साथ जो आपकी आर्टरी होती है उसका नाम क्या है, तो आपने कहना पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हिमोरल आर्टरी होती है। और जब ये पूछा जाए कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हिमोरल जो ये ब्रांच किसकी है, तो आपने ये कहना है बच्चों कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हिमोरल आर्टरी जो ब्रांच है वो आपकी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हिमोरल आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है, आपने कहना वो भी आपकी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ये आपने कहना है। उसके बाद बच्चों अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, जैसे हमने ये कहा ये सारा कुछ आ जाते हैं, इसके बाद आपने ये देखना है कि एक पेशेंट आपके पास आता है और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि आपका प्रोफंडस ब्रेकिया रेडियल की थी ना जी, प्रोफंडस ब्रेकिया आपकी रेडियल की थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, शोल्डर डिसलोकेशन हुई है और उसके साथ वो ये कहते हैं कि बाजू जो है उसकी यानी कि ये अगर इस तरह आप उसका ये बाजू ऊपर की तरफ अबडुक्ट नहीं हो रहा, जब ये अबडुक्ट नहीं होता तो इसको हमने क्या कहना, एक तरह का इस तरह ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, जब बच्चों ये इस तरह ऊपर की तरफ नहीं जाता तो इसको हमने क्या कहना है, अबडुक्शन नहीं हो रही। तो जब आपका फॉर एग्जाम्पल अगर ये इधर बाजू है ना, इधर बाजू से ये जब इधर तक जाता है, तो आपने कहना है कि ये जो नर्व यहाँ तक जो लेके जाती है ये 15 डिग्री तक, इस नर्व को हम कहते होते हैं यानी कि सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक हो गया। उसके बाद जो इधर से ऊपर यहाँ तक लेके जाती है इसको हम कहते होते हैं कि ये आपकी एक्सी नर्व है, तो अगर एक्सी नर्व होगी तो आपने कहना कि लॉस ऑफ अबडक्शन हो जाएगा, कि इस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो, अबडक्शन प्रॉपरली नहीं देखते होते, ये इश्यू इसके अंदर आता है, ये आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर अबडक्शन जो होगा वो आपको देखने का प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपका ये पूछते हैं कि जब आपकी एक्सी नर्व डैमेज होती है तो उसके अंदर लेटरल फोर आर्म की क्यूटेनियस सर्फस डैमेज होती है, लेटरल फोर आर्म की क्यूटेनियस सर्फस डैमेज होती है, शाबाश क्या होता है, क्यों बच्चों, आपका जो लेटरल आर्म है उसकी उसकी सेंसेशन लॉस होती है या आपकी फोर आर्म की सेंसेशन लॉस होती है, तो आपने कहना लेटरल आर्म की जो सेंसेशन होती है वो आपकी एक तरह की लॉस हो जाती है। लेकिन जब आपकी मस्लो क्यूटेनियस नर्व डैमेज होती है तो मस्लो क्यूटेनियस नर्व के अंदर हम क्या देखते होते हैं कि आपकी फोर आर्म की जो सेंसेशन होती है वो लॉस होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, एक पेशेंट है और उसके अंदर जनाब ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो है ना ये मैंने लिखे हुए, ये साथ साथ में आपको बताता होगा, ठीक हो गया, लेकिन आप लोगों ने अब लिखते जाना है, ठीक है, आप लोगों ने इस तरह करना है कि इसको लिखते जाओ ताकि आप लोगों को पता चलता जाए। अच्छा, ये वो एमसीक्यू है जो कि पास पेपर्स के अंदर कई तरह के आ चुके हैं, बाद में ये ना करना, सारी फोटो सेंड कर दो, ठीक है, फोटो मैंने नहीं सेंड करनी लेकिन ये है कि आप लोग एक तरह का इसको अभी नोट करते जाइएगा। हाँ, अगर वो ये पूछे कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर जो रूट वैल्यू इन्वॉल्व होती है वो कौन सी है, तो आपने कहना C5 से लेके C6 जो नर्व होती है वो जनाब आपकी इन्वॉल्व होती है, ठीक हो गया। वीडियो पूरी ऑन है, तुम फोटो के पीछे पड़ी हुई, खुदा का खौफ करो, पढ़ो। अच्छा ठीक है, तो आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब, यार जिसका कैमरा ऑन है, आवाज जिसकी आ रही है ना, अपने आपको म्यूट कर ले प्लीज। अतर जिगर के टोटे देख लो, तुम जख्मों के ऊपर जो है ना वो नमक छिड़क रहे हो, नमक नमक भी नहीं मैं। अच्छा जी, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना है कि एक तरह का
जब ये आ जाए, हाँ इसकी जो रूट वैल्यू है वो आपने कहना है कि इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो जनाब C5 से C6 होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना कि एक एक पेशेंट है जिसकी ह्यूमरस जो है वो डैमेज है उसकी शाफ्ट, तो उसके अंदर कौन कौन सी जो नर्व्स होती हैं वो जनाब आपकी एक तरह की डैमेज हो सकती है, तो आपने कहना जब भी आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर ह्यूमरस जो है उसके अंदर शाफ्ट के अंदर कौन कौन सी नर्व्स डैमेज होती है, तो बच्चों आपने कहना है मतलब कि ह्यूमरस अगर फ्रैक्चर हुआ है आपके शाफ्ट, तो आपने कहना है उस वक्त जो होती है वो जनाब शाफ्ट के हिसाब से रेडियल नर्व डैमेज होती है, और आपने कहना रेडियल के साथ आपने कहना होता है कि इसके अंदर जो डैमेज होती है वो कौन सी है, आपने कहना प्रोफंडस ब्रेकल आर्टरी जो होती है वो जनाब आपकी डैमेज होती होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए सिंपल इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पेशेंट आपके पास होता है जिसके अंदर ह्यूमरस डैमेज है, ह्यूमरस जो है वो आपका फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब जिसके अंदर ह्यूमरस जो है वो आपके एक तरह का फ्रैक्चर हो चुका है, इसके अंदर बच्चों आपने ये कहना होता है कि आपका जो आंसर होता है वो क्या होता है, आपने कहना है कि इसके अंदर आपने जो आंसर लगाना है वो आपके 3 आंसर होने चाहिए, इसके अंदर ना आपने एक तरह का आपने जो आंसर लगाना वो कौन से 3 आंसर होने चाहिए, आपने कहना इसके अंदर जो नर्व्स डैमेज होती है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज होती है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपकी एक्सियल नर्व डैमेज होती होती है, और इसके बाद आपने कहना होता है कि आपकी रेडियल नर्व डैमेज होती है, तो ये आपकी जो नर्व्स होती है वो जनाब आपकी डैमेज होती है, ये जनाब आपने कहना है कि ये सारी की सारी नर्व्स जो है वो एक तरह की डैमेज होगी, ये तीनों की तीनों नर्व्स आपने याद रखनी है, ठीक है। मीडियन और अल्नर को अपने ऑप्शन में नहीं लगाना, क्योंकि मीडियल और अल्नर जो होती है वो आपके शाफ आपके एक तरह का मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल में जाके जब फ्रैक्चर होता है तब जाके ये डैमेज होती है, लेकिन ऊपर अगर हम देखें तो वहां मीडियल और अल्नर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो आपने ये याद रखना है, ठीक हो गया बच्चों, आपने ये कहना होता है। और उसके बाद आपको पता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी का ये जो क्वेश्चन क्या आएगा जब 3 का मार्क्स, सिंपल क्वेश्चन ये आएगा बच्चों कि आपके पास कि एक तरह का फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस के अंदर, ये आपने तो आपने इन तीनों का नाम बताना है, आपने मीडियन और अल्नर का नाम नहीं बताना, मीडियन और अल्नर जो होती है वो डिस्टल मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल के अंदर फ्रैक्चर होती होती है, आपने उस वक्त ये कहना है कि मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल जब फ्रैक्चर होगा तो उस वक्त क्या होता है आपका एक तरह का मतलब कि मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है, और उसके बाद अल्नर नर्व जो होती है वो एक तरह की डैमेज हो सकती है, आपने कहना है। उसके बाद आता है जनाब आपका एक तरह का, अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर के लिहाज से जो मैंने बताया हुए थे क्वेश्चन उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर मिड शाफ्ट होता फ्रैक्चर जो होगा, ह्यूमरस अगर फ्रैक्चर होगा तो उसका जो आंसर है वो क्या है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो नर्व होती है वो रेडियल नर्व होती है, और इसके अंदर जो आर्टरी होती है वो आपने कहना है प्रोफंडस वेरिकाई आर्टरी होती है, दूसरे नंबर पे आपने कहना सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर तो कौन सा, आपने कहना एक्सियल नर्व होती है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है, इसके बाद आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर मीडियल एपिकोंडाइल है वो जनाब डैमेज है, तो उसके अंदर कौन सी नर्व होगी, आपने कहना जब ये मीडियल एपिकोंडाइल ये वाला होता है, जब ये मीडियल एपिकोंडाइल यहां से फ्रैक्चर होगा तो यहां पे जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी थी, आपकी एक तरह की अल्नर नर्व थी, ठीक होगा बच्चों। उसके बाद ये वाला जो था वो आपका लेटरल एपिकोंडाइल या सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर जब होगा तो आपने कहना ये कौन सी नर्व थी, आपकी मीडियन नर्व थी, ये आपने याद करना है कि हाँ जी जब मीडियन नर्व डैमेज होती है, और मीडियन नर्व के साथ जो आपकी एक तरह की आपकी जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, आपने कहना मीडियन नर्व के साथ आपकी जो आर्टरी होती है उसको मतलब ब्रेकियल आर्टरी आपकी इन्वॉल्व होती है, ये भी आपने याद करना है कि जो आर्टरी आपकी इन्वॉल्व होती है वो कौन सी, आपने कहना ब्रेकियल आर्टरी आपकी इन्वॉल्व होती है बच्चों। इसके साथ यार आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है जिसके नेक को फीमर के फ्रैक्चर हुआ है, कौन सा एक तरह का नेक को फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके अंदर आप क्या देखते हो, तो नेक को फीमर का जब भी फ्रैक्चर होगा इसके अंदर जो आर्टरी डैमेज होती है वो होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी आपके हेड को नेक को और उसके बाद हेड को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से फिर हम क्या देख सकते हैं अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर हेड देखते हैं, क्या देखते हैं एक तरह का अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर हेड देखते हैं। अगर क्वेश्चन है कि हुक ऑफ हिमेट है, आपके पास एक पेशेंट है जिसके हुक ऑफ हिमेट का फ्रैक्चर हुआ है, तो इसके अंदर आप क्या देखते हो, आपने कहना अल्नर नर्व आपकी ठीक है। अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर ल्यूनेट बोन की डिसलोकेशन है, उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो आपने कहना कि ल्यूनेट बोन की जब डिसलोकेशन होगी तो इसके अंदर जो आपकी नर्व होती होती है वो मीडियल नर्व होती है, ठीक है, ये आपने बताना। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि एक बंदा है वो जनाब ऐसे लेटा हुआ था, ठीक हो गया, उसके बाद ऐसे लेटे लेटे वो गिर के जनाब एक तरह का गिरा है, उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होगी, तो आपने कहना कि इसके अंदर आपकी रेडियल नर्व डैमेज होती है, जब पे आप जिसको हम कहते होते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी भी कहते होते हैं, ठीक है, आपने कहना रेडियल नर्व होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि एक पेशेंट है जिसके अंदर जनाब फ्लेक्सर रेटिना कोलम जो है वो कट किया गया, तो फ्लेक्सर रेटिना कोलम के नीचे जो नर्व गुजर रही होती है वो कौन सी नर्व होती है, वो मीडियन नर्व होती है, तो आपने कहना मीडियन नर्व आपकी डैमेज होगी। और अगर पूछा जाए कि आपका जो कट है वो फ्लेक्सर रेटिना कोलम के ऊपर है तो आपकी कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो आपने कहना अगर तो वो कट आपका फ्लेक्सर रेटिना कोलम के ऊपर है तो आपने कहना अल्नर नर्व डैमेज होती है और अल्नर आर्टरी डैमेज होती है अगर फ्लेक्सर रेटिना कोलम के ऊपर है। तो उसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर नेक ऑफ फेबुला का
एक तरह का फ्रैक्चर हुआ है। जब भी आपका नेक को फिबुला का फ्रैक्चर होगा, आपने ये कहना होता है कि आपकी पिरोनियल नर्व डैमेज होती है, और आपने कहना होता है कि आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी डैमेज होती है। कौन सी नर्व होती है? पिरोनियल नर्व। और उसके बाद आपने कहना होता है कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है वो एक तरह की डैमेज होती है। और इसी तरह अगर पूछा जाए कि एक पर्सन आपके पास आता है, वो जनाब आपका एक तरह का डॉर्सिफ्लेक्शन, उसके बाद वो कहता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का इवर्जन नहीं कर पाता, और उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होगी, तो वो भी आपने बताना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर आपकी कौन सी नर्व है। आपने कहना है कि कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो आपकी एक तरह की डैमेज होती है बच्चों, ये आपने कहना है। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब एक तरह का, अगर एक तरह का आपके कॉमन पेरोनियल नर्व का ये मैंने बता दिया, जैसा कि फ्रैक्चर का मैंने बताया, वास्कुलर नेक्रोसिस का मैंने बता दिया, तो उसके अंदर हेड के अंदर होता है, शाफ्ट का मैंने बता दिया कि कौन कौन सी नर्व्स आपकी डैमेज होती हैं, टिबियालिस प्लांटर में, टिबियालिस इन्वर्जन में, हाँ इन्वर्जन में टिबियालिस ये हो जाती है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ह्यूमरस जब होती है, प्रोफंडस ब्रेका ही आपको पता होना चाहिए, पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस माइनर जब आपका मतलब कि डैमेज हो गया, वो आपकी सही तरह काम नहीं कर रही, तो आपने कहना क्रोकोइड प्रोसेस जो होगा वो सही तरह काम नहीं करेगा। कौन सा आपका? क्रोकोइड प्रोसेस जो होगा वो सही तरह काम नहीं करता, ये आपने याद करना है बच्चों। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है, और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि अनएबल टू एक्सटेंड हिज मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स जो है उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो आपकी एक्सटेंशन के अंदर जो नर्व डैमेज होती है वो कौन सी है, ये आपको मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो आपने कहना कि जब कभी क्वेश्चन है कि आपकी मेटाकार्पल्स के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो आपने कहना होता है रेडियल नर्व। कौन सी नर्व होती है? आपकी एक तरह की रेडियल नर्व होती है बच्चों, ये आपको पता होगा। हाँ जी जनाब जो नर्व है वो आपकी रेडियल नर्व है। इसके अलावा आपने ये देखना होता है कि हाँ जी जनाब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट आता है, और इस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो कि आपका जो रेडियल नर्व होता है वो कहाँ से गुजर कहाँ पे रहा होता है, तो आपने कहना स्पायरल ग्रूव होता है, आपने कहना रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, उस स्पायरल ग्रूव, उस रेडियल ट्यूबरोसिटी, उसमें से जनाब आपका क्या होता है एक तरह का ये गुजर रहा होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर आपने ये देखा कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक तरह का एक पेशेंट है जिसका रूट ऑफ थंब है, ये क्या एक तरह का रूट ऑफ थंब है, ठीक है, ये अगर आप देखें इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का रूट ऑफ थंब है, यहाँ पे अगर ये डैमेज होता है, ठीक है, ये आपने कहना है कि रूट ऑफ थंब के ऊपर जब डैमेज की बात आएगी, तो यहाँ पे भी आपने कहना है कि आपकी रेडियल नर्व जो होती है वो डैमेज होती है रूट ऑफ थंब के ऊपर भी बच्चों, ये भी आपने याद करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि रूट ऑफ थंब का फ्रैक्चर है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो नर्व डैमेज होती है वो कौन सी, आपने कहना है कि इसके अंदर भी जो नर्व डैमेज होती है वो आपकी रेडियल नर्व डैमेज होती है, ये आपने कहना होता है कि रेडियल नर्व आपकी उड़ गई है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब के एक बंदा है जिसके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, ये आपका होता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसको हम क्या कहते हैं एक तरह का एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो, यानी कि इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये वाला जो हिस्सा होता है, अगर ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर ये फ्रैक्चर होता है, तो आपका कौन सा जो होगा मेटाकार्पल आपकी डैमेज होगी, तो आपने कहना है कि स्केफाइड डैमेज होता है। उसके बाद ये पूछ रहे कि कौन सी आर्टरी डैमेज होगी, तो आपने कहना होता है रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है? रेडियल आर्टरी होती है। उसके बाद आपने कहना स्केफाइड बोन जो होती है वो आपकी फ्रैक्चर होती है, ठीक है बच्चों, ये दो चीजें आपने लाजमी बतानी है, जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन भी अक्सर आता होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आपने जो देखना है वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि मीडियल एपिकोंडाइल जो है, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल जो है उसका अगर फ्रैक्चर है, तो मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर कौन सी नर्व डैमेज होती है, आपने कहना कि मीडियल एपिकोंडाइल अल्नर नर्व, और उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये होते हैं आपके हाइपोथिनार मसल्स, ये वाले हाइपोथिनार मसल्स होते हैं, और ये वाले जो मसल्स होते हैं इनको हम कहते हैं थिनार मसल्स, ठीक है, मतलब अगर ये आपका हाथ है, इस हाथ के अंदर ये वाले जो मसल्स होंगे जो अंगूठे की तरफ होंगे इसको हम थिनार मसल्स कहते हैं, और जो आपके ये लिटिल फिंगर की तरफ होंगे इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का हाइपोथिनार मसल्स कहते होते हैं, ठीक हो क्या। और अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कौन से मसल्स डैमेज होंगे जब अल्नर नर्व डैमेज होगी, तो आपने कहना इसके अंदर जो मसल्स डैमेज होते हैं आपने कहना होता है एक तरह का अबडक्टर पोलिसस, सॉरी अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, क्या होता है एक तरह का, ये जो हाइपोथिनार के अंदर का डिजिटी मिनिमी, अबडक्टर डिजिटी मिनिमी। उसके बाद आपने कहना होता है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। उसके बाद आपने कहना ओपनस डिजिटी मिनिमी, ये आपने बात करनी होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब ओपनस डिजिटी मिनिमी, अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, लेकिन अल्नर नर्व जो होती है वो आपके अडुक्टर मसल्स को भी सप्लाई करती है, तो आपने कहना ये अडुक्टर मसल्स को भी सप्लाई करती होती है, ठीक है, अल्नर नर्व। लेकिन इसी तरह जब हम बात करते हैं कि अपनी मीडियल नर्व है, तो मीडियल नर्व किसको सप्लाई करेगी, आपने कहना है कि लेटरल एपिकोंडाइल होगा, तो ये जनाब आपका एक तरह का ओपोनेंस कहेगा लफ्ज़ के, फ्लेक्सर मतलब एक तरह का अबडक्टर पोलिसस हो गया। उसके बाद जनाब आपने कहना होता है ओपोनेंस पोलिसस हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है फ्लेक्सर पोलिसस हो गया। ये जो पोलिसस वाले होते हैं वो जनाब आपके थंब के लिहाज से क्वेश्चन आते होते हैं, जिसको आपने याद करने का दरवाजा खोलना, जो कि आपने देखना होता है। एक मिनट,
इस पेज की पिक का पॉसिबल नहीं है, मैं भी भेजनी, ये मैं भी कह रहा हूँ बात में आप ये का कि हाँ जी जनाब पिक नहीं भेजी है, ये नहीं भेजा या वो नहीं भेजा, ठीक है। हाँ अच्छा, तो अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप लोगों के पास एक पेशेंट अल्नर को हम डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ अगर ये पूछा जाए कि एक तरह का अगर अल्नर नर्व डैमेज है तो अल्नर नर्व डैमेज के अंदर आपकी कौन सी जो सेंसेशन होगी वो लॉस होगी, तो आपने कहना है कि जब आपकी अल्नर नर्व डैमेज होती है तो इसके अंदर लेटरल वन एंड ये हाफ फिंगर ये डैमेज होती है, क्योंकि आपको पता है कि यार कि ये इसको अंगूठे को ये थंब को ये लिटिल फिंगर को मतलब को सॉरी ये इंडेक्स फिंगर को, उसके बाद ये जनाब आपकी जो होती है बिग फिंगर को और रिंग फिंगर के हाफ तक, रिंग फिंगर के हाफ तक इन तीनों को जो सप्लाई करती है वो कौन करती है, इस तरह आपने कहना इन तीनों का इस तरह जो सप्लाई करती है वो मीडियन करती थी, लेकिन आपने कहना लिटिल लिटिल फिंगर और उसके बाद आपने कहना कि रिंग फिंगर के हाफ को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन करती होती है, वो आपने कहना होता है कि आपकी अल्नर नर्व करती होती है, इसको आपने याद करना है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब वन थर्ड जो होती है वो फिंगर को आपका कौन सा है, आपने कहना है कि पाल्मर स्पेक्ट ऑफ द लेटरल साइटिस को सप्लाई करती है, आपने कहना अल्नर नर्व सप्लाई करती होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है उसके अंदर जनाब थिनार एमिनेंस नहीं है, थिनार मसल्स हैं, उसका किसी तरह का मसला नहीं हो रहा, वो बिल्कुल सही तरह काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि हाँ जी जनाब एक तरह का आपको पता है जब थिनार मसल सही तरह काम कर रहे हैं तो मसल मतलब क्या है कि मीडियन नर्व उसके अंदर ठीक है, मीडियन नर्व का उसके अंदर इशू नहीं है, जो इशू है वो अल्नर नर्व का हो सकता है या रेडियल नर्व का हो सकता है, तीन ही तो नर्वे जो यहाँ पे जाती है आता तक। तो आप देखें कि हाँ जी जनाब वो ये कहता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर के एक तरह का आपके पास एक पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो कि एक तरह का थिनार एमिनेंस नहीं है लेकिन दूसरे जो फिंगर्स है उसकी आपके मसल्स हैं उसकी एक तरह की वास्टिंग है, जब दूसरे मसल्स की वास्टिंग है ये वन एंड हाफ, तो इसका मतलब क्या कि अल्नर नर्व इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, ये आपने बताना होता है बच्चों, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं आगे और आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे क्या, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि क्यूबिटल फोसा है, क्यूबिटल फोसा के अंदर आपकी कौन सी नर्व होती है जो कि डैमेज होती है, आपने कहना है मीडियन नर्व आपकी डैमेज होती है क्यूबिटल फोसा के अंदर, और मीडियन नर्व के साथ जो आपकी आर्टरी होती है वो कौन सी, आपने कहना ब्रेकियल आर्टरी, कौन सी होती है आर्टरी, आपने कहना होता है ब्रेकियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है मीडियन नर्व के साथ, ये आपने याद करना है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन पीछे वाला ये था कि आपके पास एक पेशेंट आता है उस पेशेंट के अंदर जो थिनार है वो बिल्कुल सही है, इसको हम कहते हैं थिनार एमिनेंस, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी के जो आपके हाथ के ये जो मतलब के इंट्रोसेस मसल्स है इसकी आप देखते हो वास्टिंग है, तो ये क्यों है, तो आपको पता है कि आपके जो ये वाले जो मसल्स होते हैं इनको जो सप्लाई करता है वो कौन करता है, आपने कहना है अल्नर नर्व करती होती है, कौन सी नर्व करती है आपकी, एक तरह की अल्नर नर्व सप्लाई करती होती है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है बंदा पूछ सकता है। अब देखें ये थंब है, थंब की ऑपोजिशन इस तरह, इस तरह ये थंब ऑपोजिशन के अंदर कौन सी नर्व काम करती है, तो आपने कहा थंब ऑपोजिशन के ऊपर जो नर्व काम करती है उसका नाम होता है मीडियन नर्व, कानों से नर्व होती है आपकी एक तरह की मीडियन नर्व होती है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है उसके अंदर जो थंब है वो उसकी ऑपोजिशन नहीं होती है, पेशेंट कांट अपोज द थंब, उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होगी, तो उसके अंदर भी आपने कहना था कि मीडियन नर्व डैमेज होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा था कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर हम क्यूबिटल फोसा के अंदर एक तरह का हम मतलब कि एग्जाम क्यूबिटल फोसा को पालपेट कर रहे हैं और उसके अंदर आपने देखा कि आपकी कौन सी नर्व होगी, तो आपने कहना होता है कि क्यूबिटल फोसा के अंदर आपकी जो नर्व होती है वो जनाब आपकी कौन सी होती है, आपने कहना था मीडियन नर्व आपकी क्यूबिटल फोसा में होती, अल्नर नर्व नहीं होती, आपकी रेडियल नर्व किसको सप्लाई करती है, रेडियल नर्व आपके एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करती है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहना जितनी ट्राइसेप मसल को वो करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब जो बैक के जितने मसल्स हैं उनको ये करेगी, आपके हाँ बैक के पीछे जो होता है डोर्सम जो सरफेस होती है उसको ये सप्लाई करेगी डोर्सल ऑफ हैंड को, लेकिन ये फिंगर्स को सप्लाई नहीं करती होती इसको इनको, ठीक है ये आपने याद करना है। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका जैसा कि हमने ये कहा कि मीडियन नर्व के बारे में देख रहे हैं, उसके बाद अगर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है वो जनाब एक तरह का उसकी लॉस ऑफ फ्लेक्शन है, यानी कि ये जो हाथ है इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फ्लेक्शन और बोतल को वो नहीं पकड़ रहा, तो जब भी आप कहते हैं कि एक पेशेंट है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ फ्लेक्शन होगी तो आप कोई भी चीज को नहीं पकड़ सकोगे, जब आप कोई भी चीज को नहीं पकड़ सकोगे तो इसके नतीजे में आप क्या देखते हो, आपने कहना लॉस ऑफ फ्लेक्शन, और जब आप किसी चीज को नहीं पकड़ सकते तो इसके नतीजे में आपकी मीडियन नर्व आपकी डैमेज हुई होती है, ठीक है। फ्लेक्शन के अंदर जो नर्व काम करती है इस तरह वो अपनी मीडियन नर्व होती है, ये आपने याद करना है बच्चों। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एक तरह क्वेश्चन आए कि हाँ जी जनाब कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है, मीडियन नर्व, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आपकी कौन से
एमिनेंस का इश्यू होता है, आपने कहना थिनार मसल्स जो होती है उसकी जनाब एक तरह की वीकनेस हम देखते ही होते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का अगर आपके पास एक पेशेंट है उसके अंदर जनाब आप एक तरह का किसके अंदर जनाब आपको मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है, या कार्पल टनल सिंड्रोम इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि इसके अंदर होता क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर ये होता है कि आपका उन कंडीशन के अंदर जिनको हाइपोथायराइडिज्म हो, फीमेल को प्रेगनेंसी हो, जिनका ओबेसिटी हो, जिसको गैंग्लियनिक सिस्ट हो, जिसके अंदर ये चीजें हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी मीडियन नर्व डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जिसके अंदर मीडियन नर्व आपके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का कार्पल टनल सिंड्रोम कहना होता है। तो ये सारे का सारा कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आ सकता होता है, जो कि आपने याद करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी एक तरह का जब आपका कार्पल टनल सिंड्रोम होगा तो इसके अंदर कितनी फिंगर्स इन्वॉल्व होती है, तो आपने कहना 3.5 फिंगर्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, वो एक तरह का इफेक्ट होंगी, ठीक है। कितनी फिंगर्स आपका 3.5 फिंगर, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल 3.5 फिंगर्स का मतलब क्या है भाई जान, ये वाली आपकी ये अंगूठा, ये वाली दो, ये वाली तीन, ये वाली आधी, तो क्या हुआ 1 2 3 3.5, 3 और 3.5 फिंगर्स जो होती है वो जनाब आपकी डैमेज होती है, ये आपने याद करना है। उसके बाद यार आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब जो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर आपके पास एक पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर वो ये कहते हैं कि हाँ जी इसके अंदर थर्ड और फोर्थ लुम्बरी कॉलिस जो होती है और एंड ऑल इंट्रोसियस है, थर्ड एंड फोर्थ लुम्बरी कॉलिस एंड ऑल इंट्रोसियस, इसका कौन सी नर्व डैमेज कर सप्लाई करती, तो आपको पता है अल्नर नर्व, ठीक है, मीडियन वाली डैमेज होती है। अच्छा उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब शॉर्ट मसल्स ऑफ हैंड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, आपने कहना टी वन, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी जनाब शॉर्ट मसल्स ऑफ हैंड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, आपने कहना टी वन करती है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना होता है कि अल्नर नर्व अगर मीडियल एपिकोन्डाइल के ऊपर डैमेज हो चुकी है तो अल्नर नर्व की वजह से क्या इफेक्ट होगा, आपने कहना मीडियल टू लुम्बरी कॉलिस इफेक्ट होंगे, एक या दो, ठीक है, ये दो इफेक्ट होंगे। T1 नर्व जो होती है वो आपके हाथ के छोटे मसल को सप्लाई करती होती है, शॉर्ट मसल्स ऑफ द हैंड को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम क्या होता है एक तरह का T1 नर्व, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यार ये एक तरह का आप लोगों सा मतलब के क्वेश्चंस थे जो कि आपके पूछे जाते थे नर्व्स में से। अभी हम इसमें से और आते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं बच्चों, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है बंदा पूछ रहे। T1 के बाद वाला जो MCQ था वो ये था कि आपका अगर अल्नर नर्व डैमेज है तो आपका ये वाले जो दो 1.5 जो फिंगर्स है इसके अंदर काम नहीं होता, ये जनाब आपकी उठ जाती है, इसके अंदर इशू बनता है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक आगे चलते हैं, वरना हम आगे देखो बच्चों आप लोगों ने कहना होता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का अगर आपके पास एक पेशेंट है उस पेशेंट के अंदर जो है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म के ऊपर जो आपकी एक तरह की सेंसेशन लॉस है तो उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होगी, आपने कहना मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, कौन सी नर्व डैमेज होती है, आपने कहना मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व जो होगी वो डैमेज होगी। उसके बाद आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का लेटरल पोर जो होता है उससे कौन सी नर्व्स निकलती होती है, आपको पता है यार लेटरल कोर की जब हम बात करते हैं मतलब कि आपका आता है मीडियल कोर आता है, पोस्टीरियर कोर आता है, लेटरल कोर आता है, जो पोस्टीरियर कोर आता है उसमें से हमने कहा था कि जो आपकी नर्व्स निकलती होती है इसको हमने याद करने का जो तरीका था वो था आपका अल्नर, मतलब कि अपर सबस्कैपुलारिस, लोअर सबस्कैपुलारिस, एक्जी नर्व, रेडियल नर्व, और उसके बाद आपने कहा था एक तरह का मतलब कि ये वाला नर्व, नर्व टूटेसिन डिस्टॉर्सी या थ्रैकोडोर्सल नर्व, ये जनाब आपकी पोस्टीरियर से होती थी, लेटरल से जो निकलती थी उसको हम कहते हैं LML। इसके अंदर हमने कहता होता था कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है, उसके बाद मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होती है, और उसके बाद मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व होती है, तीन आती होती है। तो आपने क्या इसने क्या पूछा होगा कि हाँ जी जनाब लेटरल कोर से कौन सा निकलता है, तो आपने कहना होता है मीडियन नर्व, और उसके बाद सॉरी आपने कहना मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। अगर इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाए और ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब अगर एक बंदे के अंदर बाइसेप मसल से इतना काम नहीं कर रहा तो इसके अंदर कौन सा कोर जो है वो डैमेज है, तो आपने कहना लेटरल कोर, क्यों, क्योंकि बाइसेप मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती थी वो कौन सी थी, आपने कहना कि बाइसेप मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती थी वो आपकी एक तरह की मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व कहाँ से निकलती थी, आपने कहना कि मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व आपकी लेटरल कोर जो था उससे निकलती थी। तो भाई जब आपका एक तरह का लेटरल कोर ही उड़ गया है तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व आपका काम नहीं करेगी, जब आपकी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व आपकी काम नहीं करती तो इसके नतीजे में हम क्या देखते हैं, जब आपकी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व आपका काम नहीं करती तो इसके नतीजे में जनाब हम ये एक तरह का ये नर्व डैमेज होती हुई देखते होते हैं। उसके बाद अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपका जो अपर ट्रंक होता है उसमें से मतलब कि अपर ट्रंक में से कौन सी नर्व बनती होती है, अब आपको पता है कि अपर ट्रंक से जो नर्व बनती है उसका पता है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, कौन से एक तरह की सुप्रा स्कैपुलर नर्व, तो आपने ये कहना है भाई ये पिछली दफा मैंने बताया था कि इसका अभी तक का
किसी को नहीं पता कि हाँ जी जनाब एक्सी नर्व की जो रूट वैल्यू है वो C5 और C6 हो, लेकिन आप ये कहते हैं कि मोस्ट हाईली फाइबर्स जो होते हैं वो C5 और C6 से निकलते होते हैं, इस वजह से हमने इसकी जो रूट वैल्यू है वो C5 और C6 रखी होती है। अपर सब जो ट्रंक होता है उसमें से जो नर्व निकलती है उसका नाम पता सुपरा स्कैपुलर नर्व होती है। क्या होता है, एक तरह का सुपरा स्कैपुलर नर्व होती है, उसकी जो रूट वैल्यू होती है वो क्या एक तरह की, आपने कहना है कि एक तरह की C5 और C6 उसकी रूट वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो तो सुपरा स्कैपुलर नर्व निकलती है। और उसके बाद कौन सी नर्व निकलती है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब सब क्लेवियस नर्व भी निकलती होती है, ये भी आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने ये देखना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर अपर ट्रंक इन्वॉल्व होगा, अपर ट्रंक डैमेज हो जाएगा, तो इसके अंदर कौन सी रूट वैल्यू डैमेज होगी। यार आपको पता अपर ट्रंक किससे बनता था, C5 और C6 से, तो अपर अगर अपर ट्रंक काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, C5 और C6 से इतना काम नहीं कर रहा, तो आपने ये बताना है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर कभी भी आपके पास पेशेंट आता है जिसके अंदर हमने ये देखता है कि एक पेशेंट आपके पास है उसके अंदर लेटरल कोर्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इतना काम नहीं कर रहा, ये आपने कहना लेटरल कोर्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इतना काम नहीं कर रहा, तो इसके अंदर क्या कौन सी नर्व डैमेज होगी। और भाई आपको हमने क्या बताया था, तीन चीजें, लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो हमने क्या कहा कि पेक्टोरलाइज मेजर जो मसल्स होंगे वो सही तरह काम नहीं करेंगे, ये हो सकता है कि पेक्टोरल मसल्स जो होंगे वो सही तरह काम नहीं कर रहे, ये आपने याद करना है कि हाँ जी पेक्टोरलाइज मेजर जो मसल्स हैं वो सही तरह काम नहीं करते। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी बंदे के अंदर एक्सटेंसर मसल्स जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहे तो उसके अंदर कौन सा कोर डैमेज है, तो आपने कहा अगर किसी बंदे के अंदर एक्सटेंसर मसल्स सही तरह काम नहीं कर रहे तो उसके अंदर पोस्टीरियर कोर जो है वो एक तरह का उड़ गया है, कौन सा कोर उड़ा हुआ एक तरह का, आपने कहा पोस्टीरियर कोर जो है वो एक तरह का उड़ा हुआ, पोस्टीरियर कोर सही तरह काम नहीं कर रहा, ये आपने याद करना बच्चों। ठीक है, पोस्टीरियर कोर सही तरह काम नहीं, ये आपको पता है पोस्टीरियर कोर का क्या हिसाब होता है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है उसके अंदर जनाब एक तरह का जो नर्व है थंब जो है वो उसकी एक तरह की ऑपोजिशन नहीं हो रही, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, आपने कहा मीडियन नर्व डैमेज होती है। कहना है ऐसी कौन सी नर्व है जो कि रिस्ट ड्रॉप करवाती है, आपने कहा रेडियल नर्व जो होती है वो रिस्ट ड्रॉप करवाती होती है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो बंदा पूछ सकता है। हाँ मीडियम थ्री, आगे यार जो आपने देखना है वो ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि ऐसी कौन सी नर्व होती है जो कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के अंदर या ग्रूव के अंदर आपकी आर्टरी के साथ और फंडस ब्रेक या आर्टरी के साथ गुजर रही होती है, तो आपने कहना रेडियल नर्व। कौन सी नर्व होती है आपकी, जी पेक्टोरलिस मेजर होगा, आपने कहना रेडियल नर्व डैमेज होती है। इसके साथ आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का एक पर्सन है जो कि जनाब एक तरह का थंब और लिटल फिंगर को इस तरह पॉज नहीं कर रहा, यानी कि ये वाला जो पर्सन होता है ना जिसको हम ये देखते हैं 1 2 3 4, ये क्या है एक तरह की ऑपोजिशन है, और ये किसकी वजह से होती है, ये जनाब आपने कहना है कि ये जिस नर्व की वजह से होती है उसको हम कहते हैं मीडियन नर्व, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या फिर कौन सी नर्व की वजह से होती है, आपने कहना मीडियन नर्व की वजह से होती है। ठीक है, बाकी आपको मैंने एक चीज बताई हुई थी कि याद करने का तरीका क्या है, पुमा, पुमा का मतलब क्या है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदा क्ला हैंड आता है तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, अलर्ट नर्व देखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो कि हाँ जी जनाब एक तरह का एक पेशेंट है जिसके अंदर आप क्या देखते हो एक तरह का आपका एक तरह का मीडियम नर्व डैमेज है, तो वो आपने कहना एप हैंड देखते हो, पुमा सी से क्या क्ला हैंड और अलर्ट नर्व डैमेज होती है, एम से जनाब मीडियम नर्व, और क्या होता है ए से एप हैंड होता है, कौन सा हैंड होता है, आपने कहना एक तरह का एप हैंड होता है, ये आपने याद करना है बच्चों। उसके बाद अगर सरकम डक मतलब कि आपने कहना 32 ईयर ओल्ड है वो ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास आती है एक तरह का, एक मिनट यार, अरुण टू वेन रनिंग पैरेलल विद ब्रेकल आर्टरी अराउंड सेंट्रल, हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर 90 से ऊपर नहीं जा रहा तो उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होगी, दो नर्वे डैमेज हो सकती है, सेसी नर्व और कौन सी होती है एक तरह की लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इधर से नीचे तक की इंजरी बताई गई है, यहाँ इंजरी है, यहाँ इंजरी है, कोई और इंजरी है, ब्रेस्ट की इंजरी है, मस्टेक्टमी की है, तो आपने कहना होता है कि उसके अंदर क्या होगा एक तरह का, आपने कहना है कि इसके अंदर लॉन्ग थ्रेसिक होगा लेकिन ऊपर से बात होगी तो आपने कहना सेसरी नर्व होगी, ये याद करना है आपने, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता होता है कि पर्सन वो अपना कॉम कान कॉम खा ही सहारा रहे
तो आपने कहना इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज है, सैसी नर्व डैमेज जो होती है ट्रेपीजियस मसल इसके अंदर उड़ा हुआ होता है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने कहना कि एक पर्सन है वो जनाब आपके पास आता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का एक पर्सन है जो कि जनाब अपना स्कैपुला जो उसका फॉरवर्ड नहीं होता, जब स्कैपुला फॉरवर्ड नहीं होता तो उसका मतलब क्या है कि उसका विंगिंग हो गया है, इसके अंदर हम क्या कहेंगे इस तरह का विंगिंग है जब ये फॉरवर्ड नहीं होगा तो इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होगी। तो आपने कहना जब ये फॉरवर्ड नहीं होगा इसके अंदर जो नर्व डैमेज होती है वो बच्चों पीछे से आप देखते हो तो आपने कहना है कि आपकी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज होती है, ये आपने कहना है कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज होती है इसमें सेराटस एंटीरियर जो मसल से इतना काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया, अ नर्व इज इंजर्ड इन नेक रीजन एंड दिस वीकनेस इन राइजिंग अबव द हेड, कहां पे है नेक रीजन पर इंजरी है तो कौन सी होगी। आपने कहना गर्दन से नीचे, आपने कहना है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व और गर्दन या गर्दन से ऊपर कौन सी होगी असेसरी नर्व होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि असेसरी नर्व डैमेज होती है। ठीक हो गया, और ऐसे कौन से मसल्स होते हैं जो कि स्कैपुला को मूव करने में हेल्प करते हैं, यानी कि इस तरह स्कैपुला मूव हो रहा है इस तरह अगर हो रहा है तो इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो आपने कहा लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो होती है वो जनाब आपकी हेल्प करती होती है, सेराटस एंटीरियर मसल्स होते हैं जो कि हेल्प करते होते हैं बच्चों। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है जिसको नहीं समझ है वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश एनीवन जी। उसके बाद हमने पढ़ा था नर्व टू डेसिमस डोर्सल, उसका नाम दूसरा क्या था थ्रैकोडोर्सल नर्व। तो अगर आपसे पास कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट आता है उसके अंदर आप एक तरह का डेसिमस डोर्सल जो नर्व है वो डैमेज है तो उसके अंदर कौन से मसल्स की इन्वॉल्वमेंट देखोगे, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि अगर नर्व टू डेसिमस डोर्सल है तो उसके अंदर जो मसल्स होगा वो जनाब आपको थ्रैकोडोर्सल जो मतलब नर्व टू डेसिमस डोर्सल हमने पढ़ा था कि मसल्स है जो कि जनाब आपका डेसिमस डोर्सल को सप्लाई नहीं कर रहा, तो वो कौन सी नर्व थ्रैकोडोर्सल नर्व है जो कि सप्लाई नहीं कर रही। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब ये अल्ना है, अल्ना को जनाब एक तरह का एक्सटेंड करने में या एक तरह का मुट्ठी खोलने में कौन हेल्प करता है, तो आपने कहना है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मसल्स है। ठीक हो गया, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मसल्स है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुट्ठी को बंद करने में अबडक्शन के अंदर, अडक्शन के अंदर सॉरी अडक्शन के अंदर कौन हेल्प करता है, तो आपने कहना फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल। कौन से मसल्स होते हैं आपके फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल होते हैं, ये आपने याद करना है बच्चों। यही था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इस तरह है कि एक बंदा है वो जनाब अपने अपने बैक को इस तरह का स्क्रैच नहीं करता पीछे, तो आपने कहना है जब कोई बंदा अपने बैक के ऊपर स्क्रैच नहीं कर सकता तो इसके अंदर जो मसल्स आपका डैमेज है वो आपने कहना है डेसिमस डॉर्सी, और जो नर्व डैमेज होती है आपने कहना नर्व टू थ्रैकोडोर्सल नर्व जो होती है वो डैमेज होती है। फाक यार अपने आपका जो माइक है वो म्यूट करो, फाक। ठीक है, आपने कहना, और अगर आप पूछा जाए कि हाँ जी जनाब कंघी नहीं कर सकता, और एक होता पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकता उसका और है, जो कंघी नहीं कर सकता उसका और है, जो पीछे की तरफ नहीं कर सकता इसका मतलब क्या है, बैक वाला रिपीट कर दे, बैक वाले का ये होता है नर्व टू डेसिमस डॉर्सी, थ्रैकोडोर्सल नर्व जो होगी वो इन्वॉल्व हो जाएगी, थ्रैकोडोर्सल नर्व ये नर्व टू डेसिमस डॉर्सी इसके अंदर जो होगी वो इतना भी डैमेज हुई होगी, ये आप देखते होते हो। ठीक है, आप अच्छा ये आपको बताना चाहिए, सुना नहीं है अच्छा बच्चों, हेयर कॉम नहीं कर सकते, एसेसरी नर्व होगी या फिर एक तरह की कौन सी नर्व होती है, आपने कहना होता है कि एसेसरी नर्व और दूसरी जो होती है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व या लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, ये होगी। अगर तो गर्दन से नीचे डैमेज है तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब लॉन्ग थ्रेसिक नर्व है, अगर गर्दन या गर्दन से ऊपर है तो आपने कहना है एसेसरी नर्व है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आगे हम जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब एक बंदा है जो कि जनाब आपकी रिस्ट की अडुक्शन मतलब कि ये जो रिस्ट है इसको अडुक्ट करवाना एक तरह अडुक्शन के अंदर कौन हेल्प करता है, तो आपने कहना रिस्ट की अडुक्शन के अंदर जो हेल्प करता है ये जो नर्व होती है, ये आपने कहना होता है कि एक तरह का फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कार्पी नारिस जो मसल्स होते हैं वो करवाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सर इसके अंदर करते हैं। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर आप ये देखते हो कि अब फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका बंद हाथ होता है इसको हम कहते हैं थंब की अडुक्शन, ये कहते हैं ताकत थंब की, अगर ये देखें ये अगर हाथ इस तरह है इस तरह और इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं तरह का हाथ इस तरह बंद हो रहा है इसको कहते हैं थंब की एडुक्शन, तो अगर पूछा जाए कि थंब की एडुक्शन जो हो रही होती है ये किस वजह से हो रही, तो आपने कहना कि थंब की जो एडुक्शन हो रही है बच्चों ये भी आपकी एक तरह की अल्नर नर्व डैमेज होने की वजह से हो रही है, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अल्नर नर्व डैमेज होने की वजह से हो रही है, अगर ये नहीं हो अगर हो रही है तो अल्नर नर्व सही है, अगर नहीं होगी तो अल्नर नर्व डैमेज होगी, ये आपने कहना। ठीक है, ये आप पता होना चाहिए, बाकी यही मेन है जो कि आप लोगों ने याद करना है।
कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आपको पता है मीडियन नर्व डैमेज होगी, ऑपोजिशन नहीं होगी, वो लिखा होगा इन लोगों ने। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपका एक थंब है वो अडुक्टी अडुक्शन, उसके बाद लेटरल रोटेट जो है वो जनाब रोटेटेड है, उसके अंदर आपने मीडियन नर्व कहना है। गाइंस कैनाल में अल्नर नर्व डैमेज होगी, बिल्कुल गाइंस कैनाल में। एक्सटेंशन ऑफ द थंब के अंदर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जो आपकी नर्व डैमेज होती है वो रेडियल नर्व डैमेज होती है। उसके बाद आपने कहना होता है कि एक पेशेंट है, उसके अंदर जनाब आपने कहना है कि अगर ये फ्लेक्सर रेटिना कोलम है, जस्ट इमेजिन ये फ्लेक्सर रेटिना कोलम, उसके अंदर हाँ जी जनाब कट लगा है, लेकिन फ्लेक्सर रेटिना कोलम से ऊपर ऊपर कट लगा है, नीचे नहीं गया। तो जब ये कट आपके फ्लेक्सर रेटिना कोलम के ऊपर है, तो आपने कहना डीप अल्नर आर्टरी, डीप आपकी आपकी अल्नर नर्व जो होती है वो जनाब आपकी डैमेज होती है, ये आपने कहना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, आपके पास एक पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर जनाब मतलब कि इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द टीबिया ऑन फीमर इज प्रिवेंटेड बाय, आप ये अगर पूछा जाए कि इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टीबिया ऑन फीमर, टीबिया की फीमर के ऊपर जो इंटीरियर डिसलोकेशन को रोकता है वो कौन रोकता है, तो आपने कहना इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रोकता होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर ऑन टीबिया, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर जो रोकता होता है वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी टीबिया होगा तो उस वक्त जो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, टीबिया फीमर पे लगेगा तो उसके नाम से बताना है इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है। लेकिन जब फॉर एग्जांपल फीमर का टीबिया के लिहाज से पूछा जाएगा, तो आपने कहना होता है, या जिसका माइक होने अपने आपको म्यूट कर ले, अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, इंटीरियर फीमर डिसलोकेशन ऑफ ऑन टीबिया, तो फीमर जब टीबिया ऊपर लगेगी तो आपने कहना होता है कि इसके अंदर पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट होगा। ठीक है, इसकी ऑपोजिट हो जाएगा, ये आपने याद करना है बच्चों। उसके बाद अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, आपके पास एक पेशेंट है वो जनाब फुटबॉलर है, उसके अंदर जनाब आपका एक तरह का सोन्स आई है वो खेलते हुए, और साथ अब वो खड़ा तो हुआ, इसके अंदर क्या है, तो आपने कहना होता है कि जब भी अगर आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर आप ये देखते हो कि सोन्स एक तरह की प्रोड्यूस होती है, वो बंदा खड़ा हो सकता है, आपने कहना प्लांटारिस फ्रैक्चर डैमेज हो गया टेंडन, और अगर फॉर एग्जाम्पल वो खड़ा ही ना हो सके तो आपने कहना एचिलीस टेंडन जो है वो रप्चर हुआ है। कौन सा टेंडन रप्चर हुआ, एक तरह का एचिलीस जो टेंडन होता है वो जनाब आपके एक तरह का रप्चर होता है, ये आपने बताना होता है। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट है, उसके अंदर जनाब आपने देखना है कि एडुक्टर कनाल है, एडुक्टर कनाल की जो देखते हैं वो क्या है, आपको पता है कि यार जो मीडियल साइड है, लेटरल साइड और एंटीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड जो है वो जनाब आपकी एक तरह की सार्टोरियस मसल से बनती है, जो आपकी मीडियल साइड होती है वो एडक्टर लॉन्गस एडक्टर मैग्नस से बनती होती है, जो लेटरल साइड होती है वो वास्टस मीडियलिस से बनती होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने कहा एडक्टर कनाल से जो चीजें गुजरती है वो कौन सी है, फिमोरल नर्व गुजरती है, फिमोरल आर्टरी गुजरती है, फिमोरल वेन गुजरती है, सेफनस व नर्व गुजरती होती है, आपने कहना होता है। ठीक है, और उसके बाद वास्टस टू मीडियलिस मसल गुजरते होते हैं। ठीक है, फेमोरल आर नर्व, जी बिल्कुल, ये आपने बताना कि ये सारे की सर उधर से गुजरती होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हांजी जनाब, जो कोडाइनल नर्व है वो किसको सप्लाई करती है, आपने कहना है कि हांजी जनाब बैनर स्फिंक्टर, उसके बाद आपने कहना एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर को सप्लाई करती होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हांजी, इसके अंदर अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो, एक तरह का हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि ब्लड सप्लाई जो है वो हेड ऑफ फीमर को नहीं मिल रही, तो क्या है, आपने कहना है कि मुझे सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो है वो सही इतना काम नहीं कर रही, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हैं ह्यूमरस को नहीं मिल रही, तो आपने कहना है आपकी एक तरह के सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो है वो सही इतना काम नहीं कर रही, क्योंकि आपको पता है कि मेजर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो होती है वो फीमर को सप्लाई करती है, और सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो होती है वो जनाब हेड ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करती होती है। इन दोनों को आपने याद करना, अगर इन दोनों के अंदर आप देखते हो लीजिए ना, तो क्या होगा, अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड देखेंगे। लेकिन आपने कहना है कि जहां पे आपका एक तरह का हेड को सप्लाई करती है ना फीमर के, आपके एक तरह का मेजर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, तो उससे ज्यादा एक और आर्टरी सप्लाई कर रही होती है जिसको हम कहते हैं रेटिना कुलर आर्टरी, क्या कहते हैं, कहता का रेटिना कुलर आर्टरी, इसको आपने रट्टा लगाना कि रेटिना कुलर आर्टरी क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, आपके पास एक पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि इन्वर्जन जो है वो जनाब आपकी लॉस्ट है, और एक तरह का क्या है, तो आपने कहना है कि टीबी नर्व जब उड़ चुकी है, क्योंकि इन्वर्जन जो लॉस हो गई है, तो क्योंकि इन्वर्जन जब लॉस हो गई तो क्या होगा, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का इवर्जन होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद अगर पूछे इवर्जन और डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस है, तो आपने कहना पेरोनियल नर्व आपकी उड़ चुकी है। और अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, आपकी टीबियलिस एंटीरियर ये वाला जो मैं बताता हूँ, उसके बाद अगर पूछा जाए कि आपका जो सही इंजेक्शन की साइट है वो कौन सी, आपने कहना सुप्रोलेटरल जो साइट होती है वो सही इंजेक्शन की साइट होती है। अगर पूछा जाए कि इंजेक्शन सही जगह पे नहीं लगता, तो क्या होता है, आपने कहना इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है
डैमेज हो जाती है। अगर पूछ रहे कि इनफीरियर ग्लूटेन नर्व जब डैमेज होगी तो क्या होगा, आपने कहना कि इनफीरियर ग्लूटेन नर्व डैमेज होगी तो ट्रेंड अप हम साइन होगा, हम पॉजिटिव देखेंगे, मतलब कि जो चीज होगा वो जनाब हिट होगा, वो इनफीरियर देखेंगे। उसके बाद अगर सुपीरियर ग्लूटेन नर्व जब डैमेज है तो उसके अंदर क्या होता है, आपने कहना ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल होता है उसको सप्लाई से इतना एक तरह का मिलती है, और जब ग्लूटियस मैक्सिमस को जो सप्लाई होगी वो से इतना होगी तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का हिप एक्सटेंशन नहीं होती, बैठे हुए खड़ा नहीं हुआ जाता, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जाता, ये सारा आपने बताया कि ये सारे का सारा एक तरह का इन्वॉल्व होता है। और अगर कभी पूछा जाए मतलब ये मेन यही नर्व है जो आप लोगों ने याद रखनी है और आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट कांट मूव सोल ऑफ फुट मीडियली विच ग्रुप, सोल ऑफ द फुट के साथ जब तलक आता है तो कौन से मसल है, टीबियल मसल्स, आपको पता है यार सोल ऑफ द फुट की बात हो रही है, अगर डॉर्सल फुट की बात हो तो कौन सी है, तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो आपके होते हैं वो जनाब आपकी एक तरह की क्रोनियल नर्व होती है, इंजेक्शन साइट सुप्रोलेटर, ये आपने बताया। उसके बाद आपने कहना इन्वर्जन एंड इन्वर्जन ऑफ द फुट विच कब वजह से होती है, सब टालर ज्वाइंट होता है उस वजह से हो सकती होती है, ये आपने बताना होता है, सब टालर ज्वाइंट्स, आपने कहना अबडक्शन और अडक्शन, ठीक है, और इन्वर्जन और इवर्जन ऑफ द फुट क्या होता है, इन्वर्जन और इवर्जन ऑफ द फुट क्या देखते हैं, क्या इस वजह से हम देखते होते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ये सारे का सारा, अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट है उसके बाद इंजरी हुई उसके लेफ्ट फुट के ऊपर, हिज फुट वॉज इवर्टेड एंड एग्जामिनेशन फाउंड दैट ही हैज लेटरल मेडुलस फ्रैक्चर, व्हाट अदर फाइंडिंग शुड बी प्रेजेंट इन दिस केस, यस लॉस ऑफ डोर्सम ऑफ सेंसेशन ऑफ द फुट, क्यों, क्योंकि प्रोनियल नर्व डैमेज है, जब पिरोनियल नर्व डैमेज होगी तो लॉस ऑफ डोर्सम सेंसेशन ही होगा ना, ये आपने याद करा। और अगर एक बंदे का जनाब आपके एक तरह का फ्रैक्चर हुआ उसके बाद अगर ये बंदा आपने पांव पर खड़ा नहीं हो रहा तो इसके अंदर क्या होगा, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि जब आपका पाँव काम नहीं कर रहा और उसके बाद वो खड़ा नहीं हो रहा तो इसके अंदर आपने कहना कि जो टेंडन रप्चर होता है उसको पता है एचिलीज टेंडन, एचिलीज टेंडन जो होता है वो एक तरह का रप्चर हो जाता है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं वो कौन से हैं, आपने कहना वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, रेक्टस फेमोरस, ये। और अगर पूछा जाए क्वाड्रिसेप्स मसल्स आपका, और उसके बाद हाँ पूछा जाए कि हाँ जी जनाब आपके जो बाइसेप्स फेमोरस होगा, सेमी मेरिनस होगा, सेमी टेंडिनस होगा, ये वाले जो मसल्स होते हैं ये किसके अंदर, आपने कहना हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर आते हैं, किसके अंदर, हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर। और पूछा जाए कि हैमस्ट्रिंग आपको मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी, आपने कहना शियाटिक नर्व, कौन सी करेगी, एक तरह की शियाटिक नर्व सप्लाई करती होती है, ये बच्चों आपने याद करना है। उसके बाद यार आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट है जिस पेशेंट के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि आपका वो पेशेंट है वो आपके पास आता है जिसके अंदर जनाब नी की एक्सटेंशन नहीं होती, क्योंकि नी एक्सटेंशन करवाने में जो मसल आपका काम करता है वो कौन सा था, रेक्टस फीमोरस, तो आपने कहा रेक्टस फीमोरस जो वो उठ चुका है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब आपका मतलब ये, आपने कहना कि रेक्टस फीमोरस जो होगा वो आपका एक तरह का उठ चुका है, इसकी वजह से आपका जो है वो एक तरह का हम देखते हैं कि नहीं हो रही, ठीक हो गया बच्चों। उसके बिल्कुल बाद यार वकास, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है मेरे ख्याल में, बाकी आपको पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा वो चलता है उसको दर्द होती बैठता ठीक हो, तो आपने कहना कि पीटीएल वेसल्स के अंदर उसकी क्या एक तरह का क्लॉट बना हुआ, इस वजह से ये हो रहा है, ये आपको पता। मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होती है वो रिस्ट के अंदर, वो आपने कहना स्केफाइड होती है, डिसलोकेशन जो होती है वो आपने कहना ल्यूनेट होती है, ठीक है, ओवरऑल जो लॉन्ग बोन जो फ्रैक्चर होती है वो आपने कहना टीबिया होती है, कौन सी बोन फ्रैक्चर होने के साथ जो हाइट जो होती है वो छोटी हो जाती है, आपने कहना नेक ऑफ फीमर होती है, ठीक है, यहाँ पर अगर जो फ्रैक्चर होगा तो यही है मेन जो आप लोगों ने याद करना है, बाकी और चीजें भी हैं लेकिन वो बाप के काम की नहीं है, वो आपने शंटर नहीं लेनी कि क्या हिसाब है। बाकी आप लोग और पूछ सकते हो क्वेश्चन जो आपके जेहन में है, तो सर्जी ट्रायल्स एंड इम्पोर्टेंट है, कर लेना बेहतर है यार, ACL PCL यही तो तीन चार चीजें हैं, बहुत घुमाना है, सर कल टेस्ट होगा परसों टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है ना वो एक तरह का जिसको हम कहते हैं कल बल्कि टेस्ट रख लें या परसों रख लें, क्या कहते हो, टेस्ट के अंदर इन्हीं बच्चों ने आना है जो अभी इधर मौजूद है, सर नहीं आने लग किस्म के, ठीक हो गया जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं 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 वो नॉक है, परसों फिर टेस्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह उससे अगले दिन सोना तो है, पर है घूमने वाला।
अच्छा, उससे अगले दिन इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना वो हम लोग GIT शुरू कर लेंगे, ठीक है? उससे अगले दिन आप लोगों का GIT होगा। परसों टेस्ट और उसके अगले दिन GIT। कोई क्वेश्चन?